हम बात करेंगे संघर्ष की। सारे लोग एक से नहीं होते। हो सकता है दुनिया में कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मिल गई हो, फैमिली से मिल गई हो, पिताजी से मिल गई हो, लेकिन नॉर्मल जीव तो संघर्ष करता है, चाहे वो जीवन का कोई भी पहलू हो, कोई भी पड़ाव हो, संघर्ष मांगता है। व्यक्ति एक दिन में बड़ा आदमी नहीं बन जाता, उसे भी संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति एक दिन में भगवान नहीं बन जाता, उसे भी संघर्ष करना पड़ता है। जिसकी जो फील्ड है उसे वहां संघर्ष करना होगा। संघर्ष का अर्थ कोई बहुत मेहनत नहीं होती, संघर्ष माइंड से भी किया जा सकता है, संघर्ष हाथ पैर से भी किया जा सकता है, संघर्ष टेक्निक से भी किया जा सकता है। कहने का भाव यह है कि एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको जो भी काम करना है उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। सामान्य गाड़ियां तो रोड पर चलती रहती हैं, लेकिन आपको फर्स्ट पहुंचना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे प्रभु, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना होगा। सारे लोग भारत को आजाद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वो ताकत नहीं थी संघर्ष करने की जो महात्मा गांधी में थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत संघर्ष चालू किया, वे थोड़े और आगे बढ़े, जनता उनके पीछे हो गई, वे आज राष्ट्रपिता बन गए। व्यापार सब करते हैं, अंबानी जी ने थोड़ा एक्स्ट्रा संघर्ष किया और धीरे धीरे उनका संघर्ष आज भारत के सबसे बड़े आदमी के रूप में परिणमित हो गया। हम जैन दर्शन में भी देखें, एक छोटा सा मेंढक था, उसने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, भगवान के समुश्रण में जाने की कोशिश की, देखिए रिजल्ट, वो क्षणभर में देव बनकर पहुंच गया। मेरे भाई, आप सामान्य व्यक्ति जैसे चलेंगे तो जितनी सामान्य रफ्तार से सामान्य लोग चल पाते उतनी ही चल पाएंगे। आपको आगे बढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। दुनिया में उस व्यक्ति का प्रोडक्ट बिकता है जो उस प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा जान डालता है। दुनिया में उस व्यक्ति का प्रवचन सुना जाता है जो अपने प्रवचन में कुछ एक्स्ट्रा जान डालता है। दुनिया में उसका साहित्य पढ़ा जाता है जिसने सामान्य लोगों से हटकर कुछ विशेष बात अपने साहित्य में डाली है। इसलिए मेरे भाई, आपको आगे बढ़ना है जीवन के पथ पर, मोक्ष मार्ग के पथ पर, तो संघर्ष कीजिए। संघर्ष बॉडी अकेले से नहीं, मेंटली संघर्ष, टेक्निकली संघर्ष, इंटेलिजेंसी वाला संघर्ष। थोड़ी अपनी इंटेलिजेंसी दिखाइए, सामान्य लोगों जैसी नहीं, सामान्य से कुछ चलकर, बढ़कर। मैराथन में 1,000 लोग दौड़ते हैं, एक जीतता है, लेकिन वो जो एक जीतता है वो कोई बहुत अंतर से नहीं जीतता, सिर्फ एक ही कदम आगे होता है उसका। इसलिए दुनिया से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाइए, दुनिया पीछे रह जाएगी, आप आगे चले जाएंगे। जो भी लोग दुनिया में सफल हैं वे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन उन्होंने सामान्य लोगों से एक कदम आगे की सोची है, कुछ एक एक्स्ट्रा करने की सोची है, तो वो आज उन सब में सफल हैं, आगे हैं। इसलिए चाहे जीवन की राह हो, चाहे मुक्ति की राह, थोड़ा अपने दिमाग को, थोड़े अपनी समझ को, थोड़ी अपनी चतुराई को अधिक बढ़ाइए, थोड़े अपने संघर्ष को एक्स्ट्रा कीजिए, अपनी बुद्धि को थोड़ा दो कदम आगे बढ़ाकर सोचिए। सफलता, लक्ष्य, मुक्ति सब आपकी मुट्ठी में होगी। विचारना भाई, एफर्ट तो हर चीज चाहती है, एक्स्ट्रा एफर्ट तो सफलता को लेकर ही आती है। इसलिए यदि आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो नियम से सफलता आपको मिलेगी। विचारना भाई, स्वरूप तो ऐसा ही है।